मैं थोड़े से शाही कबाब और खाऊंगा, उसके बाद मोटापा घटाने का मंत्र पढ़कर सब कुछ ठीक कर दूंगा। भोला ने अपना मन बना लिया था और वो शाही कबाब दोबारा खाने के लिए तैयार था। अब वो किचन की तरफ झांकने लगा था। वो देखना चाहता था कि आखिर इतनी शानदार डिशेस बनाने के लिए प्रेम कौन से बेशकीमती खजानों का इस्तेमाल कर रहा था। ये आखिर है कौन? क्या ये वाकई टिम्बकटू से बाहर रहने वाली कोई बॉनी है? टेबल साफ करते हुए श्रुति ने मन ही मन सोचा। श्रुति भी टिम्बकटू से बाहर पूरे राज्य में घूम चुकी थी और उसे पता था कि टिम्बकटू के बाहर भी बहुत ज्यादा बौने रहते थे। स्पीशीज के बीच हुई लड़ाई के बाद से ही बौने बाहर घूमना पसंद करने लगे थे। बौनों को एक आजाद जिंदगी काफी पसंद थी, इसलिए वो बाहर घूमते ही रहते थे। हालांकि जब से बौनों का वंश वृक्ष वाला सिस्टम आया था, तब से बौने भी इंसानों की तरह ही एक जगह रहने लगे थे। ये बात तो सभी मानते थे कि जब से वंश वृक्ष वाला सिस्टम आया था, तब से बौनी जाति और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। बौनों को जबरदस्ती लड़ना सिखाया जाता था, जिस कारण से बौनों ने बहुत जल्दी ही एक पावरफुल सेना तैयार कर ली थी और ये सेना दूसरी स्पीशीज के खिलाफ लड़ने के लिए काफी थी। स्पीशीज के बीच हुई लड़ाई के शुरुआती दौर में ज्यादातर बौनों को टिम्बकटू छोड़ना पड़ा था। इसकी सबसे बड़ी वजह बौनों का घुमक्कड़पन ही था और वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं जानते थे। इसी कारण ये लोग उस दौरान अपने विरोधियों के खिलाफ ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे। बौनों के ऊपर ताकत और आजादी का एक बहुत बड़ा भार था और श्रुति आज तक ये नहीं समझ पाई थी कि उसे इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्या जरूरी था। इसी कारण जो भी बौने टिम्बकटू के बाहर रहते थे, वो उनके बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस रहती थी। वो जानना चाहती थी कि वो कैसी जिंदगी जीते हैं, क्या वो टिम्बकटू के बाहर खुश हैं। जब श्रुति टिम्बकटू छोड़ रही थी तो उसके दिमाग में यही सवाल लगातार चल रहे थे। शायद मैं इससे बात करने का मौका ढूंढ सकती हूं, श्रुति ने अपने मन में सोचा। वो टिम्बकटू में रहने वाले बौनों को अवॉइड करती थी, लेकिन जो बौने टिम्बकटू के बाहर रहते थे उनसे वो बात करना चाहती थी। पापा, क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूं? मुझे अभी बस एक ही आइसक्रीम चाहिए, रिया ने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। रिया अगले डकलिंग को अपनी गोद में लेकर अपनी चिन अगली डकलिंग के सिर पर रखे हुई थी। वो प्रेम की तरफ काफी प्यार से देख रही थी और उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना चाह रही हो कि मुझे आइसक्रीम दे दो, नहीं तो मैं रो दूंगी। अगली डकलिंग भी प्रेम को बहुत ही मासूम तरीके से देख रही थी। आखिरकार इन दोनों ने साथ में काम करना सीख ही लिया, प्रेम ने आईब्रो ऊपर उठाकर सोचा और उसे लग रहा था कि अब उसका दिल बस पिघलने ही वाला है। वो उन दोनों को उनकी मनचाही चीज देना चाहता था, यहां तक कि अगर रिया उससे चांद सितारे भी मांगती तो वो उन्हें तोड़कर ला सकता था, क्योंकि रिया और अगले डकलिंग एक साथ बहुत ही सुंदर लगते थे और इतने प्यारे बच्चों की बातों को नकारना किसी के भी बस की बात नहीं थी। प्रेम सहमति में कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वो एक रात पहले हुई घटना के बारे में सोचकर हेजिटेट होने लगा। एक दिन पहले ही रिया ने बहुत सारी आइसक्रीम खा ली थी और फिर उसे इलाज के लिए प्रीति के पास ले जाना पड़ा था, लेकिन इसके बाद प्रेम ने एक सबक सीख लिया था जिसके बाद रिया को ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाने देना चाहता था। तुम आइसक्रीम खा सकती हो, लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हारा पेट बिगड़ सकता है, इसलिए आज से तुम्हें दिन में सिर्फ एक ही आइसक्रीम मिलेगी। क्या तुम आज की आइसक्रीम अभी खाना चाहती हो? प्रेम ने स्माइल करके पूछा। दिन में सिर्फ एक ही आइसक्रीम? रिया के एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए और वो आगे बोली, पापा, क्या मुझे एक आइसक्रीम एक्स्ट्रा मिल सकती है? दिन में बस दो आइसक्रीम, ठीक है? नहीं, प्रेम ने नाम में सिर हिलाकर कहा। वो किसी भी हाल में रिया को ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाने दे सकता था और ना ही उसकी जान खतरे में डाल सकता था। रिया थोड़ी देर तक प्रेम को देखती रही और उसे यह समझ में आ गया था कि उसे किसी भी हालत में दो आइसक्रीम नहीं मिलेगी। दिन में सिर्फ दो आइसक्रीम, जिंदगी जीना कितना कठिन है, रिया ने कहा। रिया की बात सुनकर प्रेम हंसने लगा। रिया अभी से जिंदगी की कठिनाइयों की बात करने लगी थी, जबकि यह तो सिर्फ एक आइसक्रीम की बात थी। तो तुम अपनी आइसक्रीम अभी खाना चाहती हो, है ना? प्रेम ने पूछा। मुझे ब्लूबेरी आइसक्रीम दे दो, रिया ने जवाब दिया। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। उसके कान प्रेम को देखकर खड़े हो गए। उसके दिल की सारी डिसअपॉइंटमेंट तुरंत ही गायब हो गई। ब्लूबेरी, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए ब्लूबेरी आइसक्रीम बनाता हूं, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और जल्दी से एक ब्लूबेरी आइसक्रीम रिया को दे दी। रिया ने अगली डकलिंग को जमीन पर रख दिया
अगली डकलिंग भी प्रेम की तरफ बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ देख रही थी और अपना पंजा आइसक्रीम मशीन की तरफ दिखा रही थी। तुम्हें भी दिन में सिर्फ एक ही आइसक्रीम मिलेगी, वरना तुम खुद मोटी आइसक्रीम बॉल जैसी हो जाओगी, फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी, रिया ने अगली डकलिंग की तरफ देखते हुए सीरियस होकर कहा। रिया की बात सुनकर अगली डकलिंग थोड़ी निराश हो गई, लेकिन उसने अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात मान ली। प्रेम स्माइल करके सिर हिलाने लगा, वो भी रिया की बात से पूरी तरह से सहमत था। अगर अगली डकलिंग को उसकी मनमानी की कोई भी चीज मिलती रहती तो उसे उन चीजों की आदत पड़ सकती थी, इसलिए इन चीजों पर काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगली डकलिंग, तुम आज कौन सी आइसक्रीम खाना चाहोगे? प्रेम ने अगली डकलिंग को आइसक्रीम मशीन के पास जाकर इशारा किया। पहले उसने मोका आइसक्रीम की तरफ इशारा किया, जिस पर अगली डकलिंग ने अपना नाम सिर हिला दिया। फिर उसने वनीला और ब्लूबेरी आइसक्रीम की तरफ इशारा किया, जिस पर भी अगली डकलिंग ने नाम इशारा कर दिया। तो तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए? प्रेम ने पूछा। अगली डकलिंग ने खुश होकर हां में सिर हिला दिया। वो किचन में यहां वहां खुश होकर दौड़ने लगी और अपनी पूंछ हिलाने लगी। अगली डकलिंग, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक बतख हो, कोई कुत्ता नहीं हो, तुम्हें अपनी पूंछ ऐसे नहीं हिलानी चाहिए, रिया ने अगली डकलिंग से कहा। अगली डकलिंग ने तुरंत अपनी पूंछ हिलाना बंद कर दी, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट में वो अपने होंठ चाट रही थी और प्रेम के हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम देख रही थी। प्रेम ने स्माइल करते हुए अगली डकलिंग के सामने आइसक्रीम रख दी। भोली दीदी, ये आइसक्रीम है, ये देखने में बहुत अच्छी लगती है ना? रिया ने भोला के पास जाकर स्माइल करते हुए कहा। भोला ने रिया के हाथ में आइसक्रीम को देखा। रिया की आइसक्रीम का कलर बहुत ही अच्छा था और उसकी हर परत एक के ऊपर एक जमाई गई थी। टिम्बकटू में हर सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती थी, इसलिए भोला को बर्फ देखकर कोई भी लालच नहीं आया था, लेकिन रिया के हाथ में आइसक्रीम थोड़ी अलग दिख रही थी। ये ब्लूबेरी क्या होती है? क्या ये किसी तरह का फल है? क्या इसे बर्फ में मिलाने पर इसका टेस्ट अलग आता है? भोला काफी क्यूरियस होकर अपने मन में सोचने लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, इन बर्फ के गोलों का कलर तो काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं खानी है। क्या सचमुच? रिया को भोला की बात सुनकर काफी हैरानी हुई और वो अपनी आइसक्रीम चाटती रही। ब्लूबेरी आइसक्रीम का खट्टा मीठा फ्लेवर जैसे जैसे उसके मुंह में घुल रहा था, उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। पूरे रेस्टोरेंट में एक साथ पेट के गुड़गुड़ की आवाज आ रही थी। भोला के साथ साथ बाकी सभी कस्टमर्स भी रिया को आइसक्रीम चाटता हुआ देख रहे थे और उनके मुंह में पानी आ रहा था। मारिया रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स के बीच एक बात आम तौर पर कही जाती थी कि जब रिया कुछ भी खा रही हो तो उसे मत देखना, वरना आपकी जेब से पैसे अपने आप ही खाली हो जाएंगे, और अगर आपके पास पैसे ना हो फिर तो उसे देखना बिल्कुल गुनाह है, क्योंकि आप ऐसे में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उस चीज को खरीद लोगे जो रिया खा रही है। मैं ब्लूबेरी आइसक्रीम लूंगा, मेरे पास बस इस महीने के खर्च के लिए 300 कॉपर के सिक्के बचे हैं, लेकिन मुझे वाकई में खानी है, मैं क्या करूं? अरे हटाओ भाई, मैं भी एक ब्लूबेरी आइसक्रीम लूंगा। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, अगर मैंने ये आइसक्रीम ऑर्डर कर दी तो मेरे पास बस 10 कॉपर के सिक्के बचेंगे। कुछ कस्टमर्स अपने ही आप में उलझ चुके थे और कुछ आइसक्रीम के ऑर्डर देने लगे थे। आइसक्रीम की इतनी ज्यादा खरीद बढ़ने के बाद भी रिया को कोई भी हैरानी नहीं हुई थी, बल्कि वो तो अपनी आइसक्रीम खाने में बिजी थी। जैसे जैसे वो आइसक्रीम चाटती जा रही थी, उसके चेहरे की स्माइल भी खिलती जा रही थी और उसे देखने वालों को इतने में ही काफी सेटिस्फाई फील होने लगा था। साथ ही साथ वो ऐसा करते हुए और भी सुंदर लग रही थी। ये आखिर क्या है? ये इतनी खुश होकर बर्फ की गेंदे कैसे खा सकती है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इस दुनिया की सबसे टेस्टी चीज खा रही हो। भोला की आंखें खुली की खुली रह गई थी और उसके मुंह में पानी आ गया था। उसे नहीं लगता था कि उसका इंटरेस्ट इन बर्फ की गेंदों में भी पैदा हो सकता था, लेकिन वो आइसक्रीम का फ्लेवर जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस होता जा रहा था। आखिर इस चीज का फ्लेवर कैसा होगा जिसे खाकर ये इतनी खुश है, भोला ने सोचा। भोली दीदी, क्या आप जानना चाहती हैं कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है? रिया ने भोला की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल रिया, मैं जानना चाहती हूँ, भोला ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तो फिर मैं आपको खाकर बताती हूँ कि ये कैसी लगती है, रिया ने अपनी आइसक्रीम चाटते हुए कहा और आगे बोली। ये खट्टी है,
ये मीठी है और सबसे अच्छी है। ये देखकर आसपास के कस्टमर्स जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हमेशा रिया की बाकी कस्टमर से की गई बातें बहुत पसंद आती थीं। भोला रिया के जवाब से काफी गुस्सा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने रिया की स्माइल देखी उसका सारा फ्रस्ट्रेशन गायब हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि अगर वो बाकी लोगों के साथ नहीं हंसा तो शायद वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर देगा। क्या मुझे ये ट्राई करके देखनी चाहिए? भोला के दिल से एक आवाज आई, लेकिन उसने उस आवाज को नकार दिया। नहीं, ये बर्फ के गोले तो काफी मीठे होंगे और ये कोई आम बर्फ के गोले जैसे नहीं दिख रहे हैं, तो अगर मैं इन्हें खाऊंगा तो मैं मोटा हो सकता हूं। भोला ने नाम सिर हिलाकर अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन फिर से उसकी नजर रिया की आइसक्रीम पर पड़ गई और उसके मुंह में दोबारा पानी आ गया। ये तो परेशान होने के बाद भी कितनी क्यूट दिखती है, हीरामन ने भोला की तरफ देखकर सोचा और फिर यामिनी को बुलाकर बोला, मेरे लिए दो ब्लूबेरी आइसक्रीम ले आओ, एक मेरे लिए और एक भोली जी के लिए। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, यामिनी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, भोला ने अपना हाथ उठाकर हेजिटेट होते हुए कहा। तो फिर मैं सिर्फ एक ही आइसक्रीम लेकर आऊं? यामिनी ने जाने से पहले रुककर पीछे मुड़कर बोला। मैं, भोला फिर से थोड़ा हेजिटेट होने लगा। हम दो आइसक्रीम ही लेंगे, हीरामन ने स्माइल करते हुए कंफर्म कर दिया। वो बहुत आसानी से बता सकता था कि भोला अभी वाकई आइसक्रीम खाना चाहता था। ठीक है, यामिनी ने सिर हिलाकर कहा और वो मुड़ गई। फिर मुझे मोका फ्लेवर आइसक्रीम लेकर आना, भोला ने यामिनी से कहा। उसके बाद उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। उसे अभी बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो अब दोबारा अपनी बात से पलट चुका था। कोई बात नहीं भोली दीदी, भले ही अपनी बात से पलटना बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन आप ये पहली बार तो नहीं कर रही हैं, इसलिए अब आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, रिया ने भोला की तरफ देखकर कहा। क्या यह मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही है? भोला ने अपने हाथों से अपना चेहरा और भी ज्यादा छुपा लिया। आज के बाद मैं कभी भी इस रेस्टोरेंट में कोई भी वादा नहीं करूंगा, भोला ने अपने मन में कसम खाई। उसके बाद उसने खुद को शांत किया और अपने चेहरे से हाथ हटा लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस जैसा सुंदर आदमी एक छोटी सी लड़की की बातों से कैसे हार गया था। भोली दीदी, आप कितनी आइसक्रीम खाने की सोच रही हैं? रिया ने पूछा। भोला ने जवाब में अपनी आईब्रो ऊपर कर ली। उसे अचानक एहसास हुआ कि जितना उसे रिया से बात करने में दिक्कत आ रही है, उतनी ही दिक्कत जब वो छोटा था तो उसे राजकुमारी इशिता से बात करने में आती थी। खासतौर पर रिया के चेहरे की स्माइल से उसे राजकुमारी इशिता के चेहरे की स्माइल याद आ रही थी। जब भी राजकुमारी इशिता भोला को बेवकूफ बनाती थी तो उनके चेहरे पर भी ऐसी ही स्माइल होती थी। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि राजकुमारी इशिता की कोई लड़की है, क्योंकि उनके लायक तो इस दुनिया में कोई आदमी ही नहीं था। भोला के दिमाग में एक ख्याल आया और वो गायब हो गया, क्योंकि उसे याद आया कि 3 साल पहले एक ऐसा आदमी था, लेकिन अब वो इस दुनिया में जिंदा नहीं था। ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है रिया, भोला ने इस बार काफी चालाकी से जवाब दिया था। फिर आपको अपने मूड पर कंट्रोल रखना होगा, अगर आपने बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा ली तो आप मोटी हो जाओगी, रिया ने कहा। भोला ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर उसने ना बोलना ही ठीक समझा। इस लड़की की बातें कितनी कड़वी हैं, लेकिन ये मेरा दिल दुखाने के लिए ऐसा नहीं कर रही है, और ये तो इतनी सुंदर है कि कोई भी इस पर गुस्सा ही नहीं हो सकता, भोला ने सोचा। श्रुति को बौनी जाति के अंदर की बातें पता नहीं थी, और उसने तो पिछले 3 सालों से बौनों की राजकुमारी को देखा भी नहीं था। अगर ये आदमी वाकई टिम्बकटू से है तो इसके पास से मुझे कुछ जरूरी जानकारी मिल सकती है, प्रेम ने भोला की तरफ देखकर सोचा। फिर उसने यामिनी को आइसक्रीम के 2 कोन दे दिए। रिया जैसी तीखी बातें करती थी वो प्रेम ने उसे नहीं सिखाई थी। प्रेम तो हमेशा रिया को एक अच्छा व्यक्ति बनने की सलाह देता था, लेकिन ऐसी कड़वी बातें कहना उसकी रगों में पहले से ही था। ये रही आपकी मोका आइसक्रीम, यामिनी ने भोला को आइसक्रीम देते हुए कहा। थैंक यू, भोला ने आइसक्रीम ले ली और उसकी आंखें अपनी आइसक्रीम पर टिक गईं। ग्रीन टी की खुशबू उसकी तरफ उड़ती हुई आई और अकेले खुशबू से ही उसके अंदर ताजगी भर गई। लाइफ एनर्जी वाला पानी सोखने वाला सालों पुराना टिम्बकटू का चाय का पेड़ भी इतनी शानदार खुशबू वाली चाय नहीं उगा पाता था।
ये चाय की खुशबू तो कितनी गजब की है। भोला ने अपनी आइसक्रीम से आने वाली खुशबू की तारीफ करते हुए कहा। सोने के अलावा चाय पीना ही भोला की पसंदीदा हॉबी थी। उसने टिम्बकटू के साथ साथ पूरे राज्य की अलग अलग तरह की चाय इकट्ठा करके उन्हें पिया था। हालांकि आज पहली बार उसने इतनी शानदार चाय की खुशबू सूंघी थी। यहां तक कि दूर पहाड़ों पर उगने वाली चाय भी इस खुशबू के आगे कुछ भी नहीं थी। क्या इसने चाय की पत्तियों का पाउडर बनाकर उन्हें इसमें डाला है? फिर ये तो कड़वी होनी चाहिए, है ना? भोला काफी हैरान हो गया था। थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद उसने रिया की तरफ देखा और वैसे ही अपनी आइसक्रीम चाटी। आइसक्रीम उसकी जीभ के किनारों पर पिघलने लगी और उसका मीठा फ्लेवर उसके गले से नीचे उतरता हुआ चाय की ताजगी उसके शरीर में भर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चाय की पत्तियों को दूध में लपेटकर उसके गले से नीचे उतार दिया गया हो, जिससे उसके पेट की सारी खराबियां दूर हो गई थीं। इस आइसक्रीम के फ्लेवर से उसका मूड काफी अच्छा हो गया था। अरे सुनो, तुम तो ये इंग्रेडिएंट्स बर्बाद कर रहे हो, भोला ने गुस्से भरी आवाज में किचन की तरफ इशारा करके कहा। गुस्सा, बस एक यही इमोशन भोला के दिलो दिमाग में भर गया था, क्योंकि उसके हिसाब से इतनी अच्छी क्वालिटी की चाय की पत्तियों का इस्तेमाल डेजर्ट के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। यह तो बिल्कुल बर्बादी थी। वो इतना गुस्से से भर गया था कि वो अपनी असली आवाज में बोल पड़ा था। किस्मत से आगे बोलने के पहले ही उसने खुद को काबू में कर लिया। फिर भी उसकी आवाज काफी अजीब थी। हालांकि उसके अचानक से इस तरह के बोलने से बाकी सभी कस्टमर्स का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। क्या यह खूबसूरत सी बॉनी लड़की यहां कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रही है? बहुत लंबे समय से मारिया रेस्टोरेंट में किसी भी परेशानी खड़ी करने वाले को नहीं देखा है। सभी कस्टमर्स के दिमाग में यही बात चल रही थी। हीरामन भी चिंता जताते हुए भोला की तरफ देख रहा था। मारिया रेस्टोरेंट में बहुत से नियम थे, जिनमें से एक नियम यह भी था कि तेज आवाज में बोलना मना है। इसी कारण भोला के इस तरह से बात करने से काफी परेशानी खड़ी हो सकती थी। रिया अपना मुंह खोलकर भोला की तरफ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर बॉनी दीदी अचानक गुस्से से क्यों भर गई थी और दूसरी तरफ वो उसके पापा को क्यों भला बुरा बोलने लगी थी। यामिनी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भोला को गुस्सा करने से कैसे रोके। उसे तो यह भी नहीं पता था कि भोला को किस बात का गुस्सा आ रहा था। श्रुति ने भोला के हाथ में मौका आइसक्रीम को देखा और उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि उसे क्यों गुस्सा आ रहा है। तभी प्रेम अपने हाथ में शाही कबाब की दो प्लेट लेकर किचन से बाहर आया। उसने कस्टमर्स के सामने वो डिशेस रखी और भोला की तरफ मुड़ गया। क्या आप रेस्टोरेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन करना चाहती हैं? प्रेम ने पूछा। तुम कुकीज? भोला प्रेम को गाली देना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो लड़की बनकर आया है और उसने अपनी बात बीच में ही बदल दी। अरे यार, कितना एम्बेरसिंग है, भोला को खुद को ही थप्पड़ मारने का मन हुआ। प्रेम भोला की बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि भोला अपनी इमेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। वो अभी अभी प्रेम की इंसल्ट करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से जो बात निकली थी उससे प्रेम को हंसी आ गई। ये तो गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती है, आज मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, हीरामन ने भोला की तरफ देखकर सोचा। यामिनी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और सोचने लगी, ये बॉनी लड़की कितनी कमाल की है। बाकी कस्टमर्स भी हंसने लगे थे, क्योंकि भोला के इंसल्ट करने का तरीका बहुत ही भयानक था। भोली दीदी, ये कुकीज क्या होती है? क्या ये भी किसी तरह का फूड है? रिया ने पूछा। ये भी एक तरह का डेजर्ट होता है, भोला ने ऑकवर्ड तरीके से कहा, लेकिन फिर भी उसने रिया को साफ बात बता दी थी। उसने अपना गला साफ किया और एम्बेरसमेंट से बाहर आकर बोला, तुम इतनी अच्छी चाय की पत्तियों का इस्तेमाल डेजर्ट बनाने में कैसे कर सकते हो? तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? क्या तुम्हें पता भी है कि ये चाय की पत्तियां कितनी कीमती हैं? बड़े बड़े पहाड़ों पर मिलने वाली पत्तियां भी इतनी अच्छी नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे यह बात पता है, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। यह चाय की पत्तियां सिस्टम ने उसे लाकर दी थी और यह चाय की पत्ती वाकई सबसे अच्छी से भी अच्छी थी। प्रेम की पिछली लाइफ में प्रेम के पापा उसे अलग अलग तरह की फेमस चाय पीने के लिए देते थे, लेकिन सिस्टम की दी हुई चाय की पत्तियां उन सबसे बेहतर थी। फिर तुम इतनी अच्छी चाय की पत्तियों को बर्बाद कैसे कर सकते हो? भोला ने प्रेम से कहा। उसे शुरू में लगा था कि प्रेम को शायद इस बारे में पता नहीं है कि ये चाय की पत्तियां कितनी कीमती हैं।
इसलिए वो प्रेम को यह बताना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि प्रेम को यह बात पहले से ही पता है, तो उसे और भी गुस्सा आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह रेस्टोरेंट के डेजर्ट को बनाने के काम आती है। मेरे सारे कस्टमर्स सबसे बेस्ट डिश खाना डिजर्व करते हैं, और इसलिए इंग्रेडिएंट्स चुनने का मेरा यही तरीका है कि मैं उन्हें सबसे अच्छी चीज दूं। ये सबसे अच्छी चाय की पत्ती थी जो मुझे मिली, तो मैंने उससे मोका आइसक्रीम बना दी। इसके अलावा भी हमारे रेस्टोरेंट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो सभी सबसे अच्छे हैं। प्रेम ने शांत रहकर भोला को जवाब दिया। क्या ये वाकई में सच है? क्या वाकई रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स इन चाय की पत्तियों जितने अच्छे हैं? भोला ने मन में सोचा। प्रेम की आंखें बिल्कुल साफ और चमकदार थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई जादुई ताकत थी जो भोला को यह बात मानने के लिए मजबूर कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही भोला ने जो शाही कबाब खाए थे उनके बारे में सोचकर भोला को यह यकीन हो गया था कि प्रेम बिल्कुल सही बोल रहा था। इस रेस्टोरेंट के सभी इंग्रेडिएंट्स उसकी अभी तक की खाई गई सभी चीजों से सबसे बेहतर थे। ये आदमी मेरे जैसी सुंदर लड़की के सामने भी इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या इस आदमी ने मेरे जादू से खुद को बचाना सीख लिया है? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इसे आदमी ही पसंद है? भोला अपने ख्यालों में पूरी तरह से डूब चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि मारिया रेस्टोरेंट का खाना वाकई अच्छा है, और प्रेम जी इंग्रेडिएंट्स में वाकई बहुत मेहनत करते हैं। मैंने बहुत ही कम रेस्टोरेंट ओनर्स को इस तरह के डेडिकेशन के साथ देखा है। ये सारी डिशेस उनके प्राइस और टेस्ट के हिसाब से तो बिल्कुल वर्दी है, सिद्धार्थ ने तारीफ करते हुए कहा। वाकई में यहाँ के इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ के डिशेस के प्राइस से ज्यादा महंगे लगते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि प्रेम जी इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स लाते कहां से होंगे? ककाओ गांव में इतनी अच्छी चीजें ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, गजाधर ने क्यूरियस होकर सिर हिलाते हुए कहा। जो कस्टमर्स अभी तक डिश खरीदने में हेजिटेट हो रहे थे वो सिद्धार्थ और गजाधर की बात सुनकर डिश खरीदने के लिए अपना मन बना चुके थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि इतनी अच्छी डिशेस के लिए कई हजार कॉपर के सिक्के देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये तुम्हारी चाय की पत्तियां हैं, तुम जैसे चाहो उनको वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, भोला ने सीरियस होकर प्रेम की तरफ देखते हुए कहा और आगे पूछा, क्या तुम चाय की पत्तियां बेचते भी हो? सभी कस्टमर सरप्राइज होकर भोला की तरफ देखने लगे। उन्हें नहीं लगा था कि भोला इतनी जल्दी हार मान लेगा। माफ कीजिएगा लेकिन मैं चाय की पत्तियां नहीं बेचता हूं, प्रेम ने नामे सिर हिलाकर जवाब दिया। उसे सच बताना ही ठीक लगा था क्योंकि उसके पास भी चाय की पत्तियां नहीं थीं। सिस्टम उसे सीधा मोका बनाकर देता था जो पाउडर के तौर पर होता है, इसी कारण प्रेम के पास चाय की पत्तियां बेचने के लिए नहीं थीं। तुम अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम की कीमत से भी दुगना दाम दूंगी। तुम जितना चाहो मैं तुमसे उतनी चाय की पत्तियां खरीद सकती हूं, भोला इतनी शानदार चाय की पत्तियों के लिए हार मानने वालों में से नहीं था। साथ ही साथ उसका दिल दर्द में दुख रहा था क्योंकि इतनी अच्छी चाय की पत्तियों को डेजर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। देखिए, मैं चाय की पत्तियां सिर्फ मोका आइसक्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूं, और मेरे पास इनकी ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं है, इसलिए मैं इन्हें नहीं बेचूंगा, प्रेम ने नाम सिर हिलाकर जवाब दिया। उसे भोला ने जो कीमत बताई थी वो इतनी ज्यादा लुभाने वाली नहीं थी। फिर प्रेम आगे बोला, अब प्लीज रेस्टोरेंट में शांति बनाए रखें। अब आप अगर अपनी आवाज तेज करेंगी तो उससे बहुत से कस्टमर्स को दिक्कत हो सकती है, और ऐसे में हम उन्हें अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे, और अगर आप नियम नहीं मानेंगी तो आपको रेस्टोरेंट से निकालकर बैन कर दिया जाएगा। 10 गुना, मैं तुम्हें चाय की पत्तियों की 10 गुना कीमत दूंगी, भोला ने दांत पीसते हुए कहा। सिस्टम, मेरे ख्याल से हमें इसे चाय की पत्तियां बेच देनी चाहिए, यह 10 गुना कीमत दे रहा है, प्रेम ने मन ही मन सिस्टम से पूछा। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम बहुत बड़े काम के लिए यहाँ लाए गए हो, तुम्हें कुकिंग का बादशाह बनना है। अगर तुम ऐसी कीमतों से अपने रास्ते से हटने लगे तो इस सब का क्या मतलब होगा? पैसों से तुम्हारी इज्जत तो नहीं खरीदी जा सकती ना, सिस्टम ने दिल दुखाने वाला जवाब दिया। देखो, मैं तुम्हारे साथ चाय की कीमत का आधा आधा बांट लूंगा, प्रेम ने सिस्टम को बीच में ही रोकते हुए कहा। ओह अच्छा, तो ये सब इतना भी ज्यादा गलत नहीं है। इस साल वैसे भी चाय की पैदावार अच्छी हुई है, तो अगर मैं 15-20 किलो चाय की पत्तियां बेच भी देता हूं तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, सिस्टम ने खुश होकर कहा। मैं चाय की पत्तियां बेच सकता हूं लेकिन मुझे उसे इतनी कम कीमत पर नहीं बेचना चाहिए,
10 गुना कीमत तो बहुत कम है। 250 ग्राम चाय की पत्तियों से मुझे सिर्फ 10,000 कॉपर के सिक्के ही मिलेंगे। अगर मैं इसकी बोली लगवाऊंगा तो इसकी काफी अच्छी कीमत हो सकती है, प्रेम ने मनी मन सोचा और सिस्टम से कहा, सिस्टम मुझे 5 किलो चाय की पत्तियां दे दो, मैं तुमसे ये 5 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदूंगा, जो कि उस कीमत की ठीक आधी होगी जिस कीमत पर मैं इसे बेचूंगा। तुम दूसरे फ्लोर के ड्रावर में ये चाय की पत्तियां रख देना। 50,000 कॉपर के सिक्के काट लिए गए, 5 किलो चाय की पत्ती दूसरे फ्लोर के ड्रावर में रख दी गई है, सिस्टम ने खुश होकर कहा। बढ़िया, प्रेम के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर उसने सिर हिलाते हुए भोला को देखकर कहा, हमारे रेस्टोरेंट के कुछ नियम हैं जो उसकी डिशेस के लिए बने हुए हैं, लेकिन अगर तुम इंग्रेडिएंट्स खरीदना चाहती हो तो तुम बोली लगाकर खरीद सकती हो। शायद आने वाले दिनों में मैं चाय की पत्ती की बोली लगवा सकता हूं। बोली? सारे कस्टमर्स प्रेम की बात सुनकर चौंक उठे। वो सभी रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस थे। प्रेम को पता था कि इंग्रेडिएंट्स की बोली लगवाने से उसे बहुत पैसे मिल सकते थे। भले ही कोई भी प्रेम के इंग्रेडिएंट्स खरीद लेता, लेकिन उसके लिए ये बहुत अनजान ही रहते और वो शायद ही उन इंग्रेडिएंट्स का कोई इस्तेमाल सीख पाते। इसके अलावा बहुत से लोग मारिया रेस्टोरेंट में ही खाना पसंद करते थे। प्रेम को पता था कि ऐसे सभी कस्टमर्स इंग्रेडिएंट्स को इतनी ज्यादा कीमत पर खरीदने से बेहतर उसके हाथ से बनी डिश खाना ही पसंद करेंगे। प्रेम की तरह खाना बनाने की कला सीखने के बिना कोई भी उन इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी चीज नहीं बना सकता था। अच्छा, ऐसी बात है, भोला ने इस मामले को समझते हुए कहा। उसे पता था कि अगर किसी भी चाय पसंद करने वाले को इस चाय की पत्ती की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा तो वो 10 गुना से भी ज्यादा कीमत लगाकर ये चाय की पत्ती खरीद लेगा। और प्रेम को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने की कोशिश कर रहा था। ये ठीक नहीं है, बोली लगाकर तुम 10 गुना से भी ज्यादा कीमत कमा सकते हो, सिस्टम ने गुस्से में आकर कहा। मैंने तो तुम्हें 10 गुना कीमत का आधा दे दिया ना, तुम्हारे पास जो है तुम्हें उसमें खुश रहना चाहिए। अगर तुम ऐसी ही चीजों पर बहकते रहे तो तुम तुम्हारी जिंदगी जीने का असली मकसद तो भूल ही जाओगे, प्रेम ने सिस्टम को जवाब दिया। अब उसके पास चाय की पत्तियां आ चुकी थीं, इसलिए वो ये बात डिसाइड कर सकता था कि उसे कब इसकी बोली लगवानी है। वो चाहता था कि एक बार सभी को इन चाय की पत्तियों की कीमत समझ आ जाए, इसके बाद ही वो इसकी बोली लगवा कर काफी पैसे कमाएगा। अगर तुमने अपनी आइसक्रीम जल्दी नहीं खाई तो ये पिघल जाएगी, प्रेम ने भोला को सावधान करते हुए कहा और वापस किचन में चला गया। भोला प्रेम की बात सुनकर चौंक गया और वापस नीचे देखने लगा। उसने देखा कि उसकी आइसक्रीम धीरे धीरे पिघल रही थी। वो बिल्कुल लटकने की सिचुएशन में आ गई थी और किसी भी पल नीचे गिर सकती थी। भोला थोड़ी देर के लिए तो भूल ही गया था कि वो एक लड़की बनकर आया था और उसने अपना मुंह गिरती हुई आइसक्रीम की तरफ लगा दिया। आइसक्रीम का ताजगी भरा मीठा फ्लेवर उसके मुंह में घुलने लगा और वो उसके स्वाद में बिल्कुल खो गया। आइसक्रीम का स्वाद ताजगी भरा हुआ था और उसमें जरा भी कड़वाहट नहीं थी। भले ही उसे अभी लग रहा था कि ये इतनी शानदार चाय की पत्तियों की बर्बादी थी, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार था कि आइसक्रीम वाकई अच्छी लग रही थी। लगता है भोली जी को चाय की पत्तियां बहुत पसंद हैं। अगली बार जब प्रेम जी चाय की पत्तियों की बोली लगवाएंगे तो मैं भी भोली जी के लिए जरूर कुछ चाय की पत्तियां खरीद लूंगा, इससे शायद वो मुझसे खुश हो जाए, है ना? हीरामन ने भोला की तरफ देखते हुए स्माइल करके सोचा। उसे अपनी आइसक्रीम खाने से ज्यादा खुशी भोला को आइसक्रीम खाते हुए देखने में मिल रही थी। अपनी ब्लूबेरी आइसक्रीम खत्म करने के बाद रिया खुद भोला के पास चलकर आई। भोली दीदी, आपको उस आदमी से बचकर रहना चाहिए, शायद वो आपके साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोच रहा है, रिया ने फुसफुसाकर कहा। भोला ने हीरामन की तरफ देखा और वो रिया की बात से पूरी तरह से सहमत हो गया। चिंता मत करो, मैं बहुत ताकतवर हूं, भोला ने सिर हिलाकर कहा। ये रहे आपके शाही कबाब, यामिनी ने भोला की दूसरी प्लेट शाही कबाब उसकी टेबल पर रख दिए। थैंक यू, भोला ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर उसने अपनी आधी खाई आइसक्रीम की तरफ देखा और उसके बाद नीचे रखे गर्मा गर्म शाही कबाब की तरफ देखने लगा। बहुत सालों से भोला ने इस तरह से कुछ भी नहीं खाया था। उसे लग रहा था जैसे इस रेस्टोरेंट में कोई तो ऐसी जादुई ताकत थी जिससे उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति चकनाचूर हो रही थी। मुझे किसी भी हाल में ऐसा खाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, अब डाइटिंग बाद में देखी जाएगी, मैं मन भर के खा लूंगा और बाद में डाइटिंग करूंगा,
भोला ने अपने मन ही मन सोचा और अपने शाही कबाब में खो गया। क्या भोला जी श्रुति जी से बात कर पाएंगे? अभी वो जिस हालत में है उनकी जगह अगर मैं होता तो कभी भी श्रुति के पास नहीं जाता, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यहां आने का क्या मतलब निकला? योगेश अपने उलझे हुए विचारों में खोया हुआ था और रेस्टोरेंट के बाहर घोड़ा गाड़ी में बैठा था। आधे घंटे बाद भोला डकार लेता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आया। वो अपने पेट पर हाथ फेर रहा था, फिर उसने मुड़कर रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड की तरफ देखा और कहा, अगली बार मैं अपनी भूख पर कंट्रोल रखूंगा। फिर मिलते हैं भोली दीदी, हमारे रेस्टोरेंट में अभी भी बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। रेस्टोरेंट के अंदर से रिया की आवाज सुनाई दी। मुझे झांसा देने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, भोला ने पीछे मुड़ते हुए कहा और फिर भी बाकी डिशेस के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ चुका था। वो समझ चुका था कि रिया इस रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा चेहरा थी। उसे बस सभी लोगों के सामने कोई भी डिश खाने की जरूरत होती थी और लोगों की भूख अपने आप बढ़ जाती थी। भोला अब अपनी घोड़ा गाड़ी में चढ़ चुका था। भोला जी, क्या आप श्रुति जी से मिले? योगेश ने तुरंत पूछा। हाँ वाकई वो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझ जितनी भी सुंदर नहीं है, हालांकि इतनी ज्यादा खराब भी नहीं दिखती है, भोला ने सिर हिलाकर जवाब दिया। योगेश थोड़ी देर चुप रहा। और कुछ? फिर योगेश ने दोबारा पूछा। बस इतना ही, भोला ने अपने हाथ खोलते हुए मासूम तरीके से कहा। बस इतना ही? आप आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक वहां अंदर रहे और आपको बस इतना ही समझ आया कि वो काफी सुंदर दिखती हैं? योगेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अकलमंदी की बेइज्जती कर दी गई थी। हाँ, क्या यही काफी नहीं है? इसके बारे में जरा सोचो, अगर वो काफी बदसूरत होती और मैं असली रूप में उसके सामने जाता तो शायद वो काफी दुखी हो सकती थी। उसे मुझसे प्यार हो जाता, लेकिन उसे मेरे पास आने में भी शर्म आती और शायद उसे मुझसे डर भी लग सकता था। फिर मुझे अपना मिशन पूरा करने में काफी दिक्कत हो सकती थी, भोला ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप वहां खाना खाने में बिजी रहे होंगे, बाकी सब चीजों के बारे में भूल गए होंगे, योगेश ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। अरे तुम्हें कैसे पता? भोला ने सरप्राइज होकर योगेश की तरफ मुड़ते हुए पूछा और तारीफ करते हुए आगे बोला, इस रेस्टोरेंट का खाना तो कमाल का है, खास तौर पर उनके शाही कबाब और उनका डेजर्ट जो आइसक्रीम के नाम से जाना जाता है। ऐसी दोनों चीजें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं खाई। चलो अब वापस चलें, योगेश ने गहरी सांस लेकर कहा। योगेश को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने भोला पर इतना भरोसा कर लिया था। सिस्टम, रेस्टोरेंट के नए साउंड सिस्टम में जो नया म्यूजिक बजाया जाना है उसकी कीमत बताओ। जब सारे कस्टमर्स चले गए तो प्रेम ने एक कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए सिस्टम से पूछा। बोनो की एम्बेसी के सामने एक घोड़ा गाड़ी रुकी जिसमें से भोला और योगेश उतरे। तभी 30 से 40 साल की उम्र का दिखने वाला एक बोना दौड़कर उनकी तरफ आया और योगेश को एक लेटर दे दिया। यह हमारी बोनी जाति का एक खुफिया लेटर है, बहुत ही बड़ी घटना घट गई है, उसने फुसफुसाकर कहा। फिर उस बोने ने क्यूरियस होकर भोला की तरफ देखा। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर लड़की योगेश के साथ घोड़ा गाड़ी से क्यों उतरी थी। योगेश ने एनवेलप के ऊपर से जादुई सील हटा दी और उसके अंदर से एक लेटर निकला। जैसे ही उसने ये लेटर पढ़ा, उसके एक्सप्रेशंस अजीब तरीके से बदल गए और वो भोला की तरफ मुड़ गया। भोली जी, मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, योगेश ने कहा। ठीक है, भोला ने सिर हिलाकर क्यूरियस होते हुए जवाब दिया और योगेश के पीछे पीछे चला गया। क्या हुआ? एक कमरे में आने के बाद भोला ने पूछा। आप खुद ही देख लीजिए, योगेश ने भोला को लेटर देते हुए कहा। राजकुमारी इशिता गुफा से बाहर आ गई हैं, लेकिन मैं यहां ककाओ गांव में हूं, मैंने इतनी बड़ी चीज कैसे छोड़ दी, भोला ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए दर्द भरी आवाज में कहा। मुद्दा यह नहीं है, करोड़ी परिवार के संकल्प जी को मार दिया गया है और रानी ने गुलामी खत्म कर दी है। बड़े परिवारों में इससे काफी बड़ा फर्क पड़ सकता है और शायद हम भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। अपने परिवार के वारिस होने के नाते आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, योगेश ने भोला की तरफ देखकर कहा। अच्छा, सचमुच? मुझे तो लगता है कि तुम असली मुद्दा भूल रहे हो। स्पीशीज के बीच की लड़ाई खत्म होने के बाद बोनी जाति के सभी बड़े परिवार धीरे धीरे उभर कर आ रहे हैं।
इसके साथ साथ हर्षिता जी ने नई नई क्रांतियों को जन्म दिया, जिससे बड़े परिवार और भी ज्यादा ताकतवर होते गए। लेकिन इस सब का क्या मतलब निकला? हर्षिता जी हमारी बौनी जाति को एक मजबूत आधार देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने तो हमारे आधार को ही तोड़कर रख दिया। बौने कई हजार सालों आजाद होकर जी रहे हैं और आजादी ही बौनों की असली पहचान है, भोला ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा और आगे बोला, तुम्हें पता है कि बौनी जाति के इतने सारे लोग राजकुमारी इशिता को क्यों सपोर्ट करते हैं? ऐसा इसलिए नहीं कि वो बहुत ताकतवर हैं, बल्कि वो बौनों को असल मायने में डिफाइन करती हैं। उनमें काबिलियत भी है और अदा भी। वो खुले दिल की हैं और उनका दिल भी बड़ा है, और वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती हैं। योगेश भोला के चेहरे की स्माइल देख रहा था और वो गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद उसके एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गए। ऐसा कदम नहीं उठाना जाना चाहिए था। बौनी जाति को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए यह गुलामी काफी जरूरी थी, ताकि हम अपने लोगों को अगली जंग होने पर गुलामी से बचा सकें, योगेश ने कहा। तो तुम उन्हें गुलाम बनाकर रखोगे यह कहकर कि तुम उनकी गुलाम बनने से रक्षा कर रहे हो, और फिर तुम लड़ाई के मौके पर उन्हें ही सबसे आगे खड़ा करोगे ताकि वो खुद ही खुद की रक्षा कर सकें। क्या मुझे इस खामियों भरे सिस्टम में तुम्हें और खामियां बताने की जरूरत है? भोला ने सीरियस होकर योगेश की आंखों में देखते हुए कहा और फिर आगे बोला, योगेश तुम कई सौ सालों से जिंदा हो और तुमने बहुत सारी लड़ाइयां देखी हैं। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई टिम्बकटू के बौने खुश हैं? बड़े परिवारों के जिन लोगों को बौने नौकर मिले हैं वो कितने सुस्त हो गए हैं? क्या इस सबके बाद भी वो खुश हैं? योगेश तुरंत चुप हो गया और भोला ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि वो योगेश को देखता रहा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। शायद आप बलबन परिवार के लीडर बनने की काबिलियत नहीं रखते हो, योगेश ने भोला की तरफ देखकर कहा और फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर उसने आगे बोला, लेकिन आपकी सोच वाकई में कमाल की है। बलबन परिवार को आपके जैसे सोचने वाले की जरूरत है, और शायद पूरी बौनी जाति को आपके जैसे बौने की जरूरत है। आपने आज मुझसे जो कुछ भी कहा है इस बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा करने से खुद को रोक लेंगे, क्योंकि आपको ये बातें तब तक नहीं दोहरानी चाहिए जब तक कि आप इतनी ताकतवर पोजीशन पर ना आ जाएं कि आपको ये सब कहने का हक हो। कुछ चीजें मैं बस सही लोगों के साथ ही शेयर करता हूं, भोला ने स्माइल करते हुए कहा और अपनी मुट्ठी खोल दी। अगर मैं इस दुनिया के पिछले 800 सालों का इतिहास देखूं तो बौनी जाति स्पीशीज के बीच होने वाली लड़ाई के दौरान भी टिम्बकटू में इतना दुख नहीं था, और भले ही टिम्बकटू पर दानवों और डीमंस ने कब्जा भी कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी हमारे लोगों के अंदर की आवाजें कभी नहीं थमी और लोगों के अंदर आगे की जिंदगी के लिए उम्मीदें बरकरार रहीं। लेकिन अब मैं कभी भी लोगों के अंदर वो जज्बा नहीं देख पाता हूं। फलों को उठाना उनका काम बन गया है, और कुछ लोगों के ऐसे दिन आ गए हैं कि वो बस बैठे रहते हैं और पूरे दिन कुछ भी नहीं करते। भले ही अब कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन मैं देखता हूं कि सारे लोग अब बहुत दुखी रहते हैं। ये सब देखना काफी डिप्रेसिंग है, योगेश ने निराश होकर कहा। बस इसलिए ही मैंने ककाओ गांव में रुकना ठीक समझा। टिम्बकटू के मुकाबले ये गांव आजादी से भरा हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये गांव आगे आने वाले दिनों में एक स्वर्ग की तरह उभर कर सामने आएगा। मुझे उम्मीद है मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा रह सकूंगा। ये गांव बहुत ही अच्छा है, उतना ही अच्छा जितना कभी टिम्बकटू हुआ करता था, योगेश ने स्माइल करते हुए कहा और फिर भोला की तरफ मुड़कर बोला, अगर आप वाकई बौनों की राजकुमारी की मदद करना चाहते हैं तो आपको और भी ताकतवर बनना पड़ेगा। ज्यादातर बौनी जाति बड़े परिवारों में बट चुकी हैं, और अब तो रानी भी बौनों के नियमों से कुछ ही नियम हटा सकती हैं। ऐसे समय में मेरी खूबसूरती ही इस दुनिया में खुशी भरेगी, भोला ने योगेश की तरफ मुड़कर कहा और सीरियस होकर सिर हिलाते हुए आगे बोला, मुझे उम्मीद है कि आजादी के गाने हमारे टिम्बकटू में किसी न किसी दिन दोबारा गाए जाएंगे। जी मैं भी चाहता हूं कि ये दुनिया छोड़ने के पहले मैं भी वो गाने सुनूं, योगेश ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। उधर सिस्टम प्रेम की चालाकी से नाखुश था और काफी गुस्से में था। मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार करता हूं, सिस्टम ने प्रेम से कहा। सिस्टम क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? प्रेम ने अपनी आंखें घुमाते हुए सिस्टम से कहा। उसे समझ में आ रहा था कि सिस्टम अभी भी चाय की पत्तियों वाली बात से उससे गुस्सा था। हालांकि इस बात का प्रेम को जरा भी अफसोस नहीं हो रहा था। वो सिस्टम को बेवकूफ बनाकर
ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था ताकि उसकी जिंदगी और सुधर सके। ठीक है, लगता है तुम्हें पैसे कमाने से अब कोई मतलब नहीं रह गया है। फिर ऐसे में मैं रिया के म्यूजिक बॉक्स से ही काम चला लूंगा, उसमें अभी 20 गाने हैं और वो गाने भी ठीक ठाक ही हैं। मेरा तो इसी से काम चल जाएगा, प्रेम ने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहा और म्यूजिक बॉक्स लाने के लिए तैयार हो गया। तुम इतने अच्छे रेस्टोरेंट में बच्चों के गाने कैसे बजा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कस्टमर्स को ये सब अच्छा लगेगा? ये तो बर्बादी होगी, सिस्टम ने निराश होकर कहा। तो क्या हुआ, ये गाने भी हमारे रेस्टोरेंट की तरह अलग हैं। इससे हमारे कस्टमर्स को कुछ अलग सुनने को मिलेगा। प्रेम ने अपनी बात रखी। कुकिंग के बादशाह को एक एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट में अच्छे गाने बजेंगे तो इससे तुम्हें ही फायदा होगा, और अगर ऐसे ही कुछ भी अजीब बजाते रहोगे तो इससे रेस्टोरेंट पर बहुत गलत असर पड़ेगा। तुम्हें इन सब के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए और ध्यान से। अरे बस बहुत हुआ यार, मुझे कुछ नए गाने चाहिए। बस मुझे इतना बताओ कि इसके कितने पैसे लगेंगे, प्रेम ने सिस्टम को बीच में ही टोक कर कहा। मुझे माफ करना, लेकिन कॉपीराइट इश्यूज के कारण अभी नए गाने अवेलेबल नहीं हैं। मैं इस चीज से निपटने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, सिस्टम ने नाराज होकर जवाब दिया। क्या मजाक है, तुम आखिर किस तरह की वेबसाइट से म्यूजिक डाउनलोड करते हो? क्या तुम्हारे पास मेंबरशिप प्लान नहीं है? प्रेम ने नाराज होकर कहा। नहीं, मैं फ्री म्यूजिक ही डाउनलोड करता हूँ, सिस्टम ने जवाब दिया। मैं तुम्हें मेंबरशिप लेने के लिए पैसे देता हूँ, प्रेम ने अपने होंठ काट कर कहा। ठीक है, फिर मैं अभी अपना अकाउंट बना लेता हूँ, सिस्टम ने खुश होकर कहा। भाड़ में जाओ, प्रेम ने कहा। बहुत देर तक मोल भाव करने के बाद प्रेम ने 1000 क्लासिकल गानों के लिए मेंबरशिप प्लान के साथ साथ 3000 कॉपर के सिक्के और दिए। इसके अलावा प्रेम ने कुछ नए एल्बम्स के गाने भी खरीद लिए थे। ये कौन सा नया एल्बम आया है, प्रेम ने सिस्टम से पूछा। उसे अपने दिमाग में एक एल्बम दिख रहा था, लेकिन उस प्लेलिस्ट में ग्रे साइन बना हुआ था। ये एल्बम अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्द ही आ जाएगा। अगर तुम रिलीज होने के तुरंत बाद इसे खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इसके अलग से पैसे लगेंगे। मैं सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी का म्यूजिक प्रोवाइड करता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम मुझसे जरूर सेटिस्फाई होगे, सिस्टम ने अपनी बात रखते हुए कहा। मैंने ही तुम्हें इसकी मेंबरशिप दिलाई है, प्रेम ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। फिर प्रेम दोबारा गाने देखने लगा। वो सोच में पड़ गया था कि आखिर आने वाले दिनों में और कैसे कैसे गाने आ सकते थे। चलो अब तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम ट्राई करके देखें, प्रेम ने सिस्टम से पीछा छुड़ाते हुए कहा और रिया की तरफ मुड़ गया। रिया अभी अगली डकलिंग के पीछे भाग रही थी। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा, रिया अब मैं गाना बजा रहा हूं, इसलिए डरना मत। मैं बस एक बड़ा सा म्यूजिक बॉक्स इस्तेमाल करने वाला हूं। श्रुति और यामिनी चली गई थीं, और अभी सिर्फ रिया, प्रेम और अगली डकलिंग ही रेस्टोरेंट में थे। एक बड़ा म्यूजिक बॉक्स, रिया की आंखें क्यूरियोसिटी के कारण चमक उठी थीं, और वो यहां वहां म्यूजिक बॉक्स देखने लगी। चलो मैं तुम्हें गाना सुनाता हूं, प्रेम ने अपने दिमाग में लगी स्क्रीन पर टैप करते हुए कहा। प्रेम अपनी पिछली लाइफ में अच्छा पियानो बजा लेता था, और उसे बहुत अलग अलग तरीके की धुन बजाना आता था। उसकी माँ उसे पियानो की अलग अलग धुन सीखने के लिए मोटिवेट करती थी, लेकिन जैसे जैसे प्रेम बड़ा होता गया उसकी पियानो बजाने की आदत छूटती गई। लेकिन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने के कारण प्रेम के अंदर डिसिप्लिन आ गया था। कुछ देर बाद म्यूजिक बॉक्स में पियानो बजना शुरू हो गया। यह धुन बहुत ही पॉपुलर था। पृथ्वी पर कई फोन में रिंग टोन्स के तौर पर यह गाना बजा करता था। इस गाने का एक अलग ही सुरूर था, और यह धुन सुनकर प्रेम बहुत रिलैक्स फील करने लगा। सिस्टम ने प्रेम को जो म्यूजिक सिस्टम दिया था उसका साउंड नॉर्मल साउंड के कंपैरिजन में बहुत ही शानदार था। प्रेम जैसे इंसान को भी यह साउंड सिस्टम बहुत पसंद आ गया था। प्रेम को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लाइव कॉन्सर्ट देख रहा हो, और उसके ठीक सामने सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हों। अचानक प्रेम के चेहरे पर स्माइल आ गई, और वो अपने बचपन की यादों में खो गया, जब वो अपनी मां के बगल में बैठकर पियानो सीखता था। उन दिनों प्रेम के पास और ज्यादा कुछ काम नहीं होता था, और उसका रूटीन थोड़ा सा सख्त था, लेकिन प्रेम को अपने बचपन के ये दिन बहुत पसंद थे। प्रेम अपनी पिछली जिंदगी को अब याद करने लगा था। उसके पास एक लाइफ अभी भी थी जहां उसे हर चीज खुद हासिल करनी पड़ रही थी, और एक लाइफ उसकी पिछली थी
जहां उसके पास पहले से सब कुछ था, लेकिन अब प्रेम अपनी इस लाइफ को भी एंजॉय करने लगा था। रिया जोर जोर से हंसने लगी। रिया की हंसी से प्रेम अपने ख्यालों से बाहर आ गया और मुड़कर अगली डकलिंग को डांस करता हुआ देखने लगा। यह डांस बड़ा अजीब था, लेकिन रिया और अगली डकलिंग बहुत प्यारे ढंग से डांस कर रही थी, जिससे प्रेम भी हंसने लगा। पापा, क्या अब हमारा रेस्टोरेंट ही अब बड़ा सा म्यूजिक बॉक्स बन गया है? हम म्यूजिक बॉक्स में रहते हैं और कस्टमर्स भी अब म्यूजिक बॉक्स के अंदर ही बैठकर खाएंगे? रिया ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ, सच कहा, म्यूजिक से लोगों के अंदर खुशी आती है, इसलिए हम अपने सारे कस्टमर्स के साथ ये खुशी बांटेंगे, प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा। रिया को इतना खुश देखकर प्रेम को भी काफी खुशी हो रही थी। उसे रिया के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ऐसा करने पर प्रेम को अपनी पिछली जिंदगी का जरा भी पछतावा नहीं होता था। प्रेम ने गाने की आवाज धीमी कर दी। अच्छा गाना किसी भी कस्टमर को पसंद आ सकता था, लेकिन प्रेम एक रेस्टोरेंट चलाता था, कोई डांस हॉल नहीं, इसलिए धीमी आवाज में गाना बजाना ही उसके लिए बेहतर था। वो अपने कस्टमर्स को अच्छा खाना देना चाहता था, ना कि अच्छा गाना। वो नहीं चाहता था कि गाने के कारण लोग अपना खाना ही भूल जाएं। रिया बेटा, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहता हूं, चलो मेरे साथ ऊपर आओ, प्रेम ने रिया के सर पर हाथ फेरते हुए स्माइल करके कहा और उसे गोद में उठा लिया। उसने अपने दूसरे हाथ में अगली डकलिंग को भी उठा लिया और सब सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सच में वो क्या है पापा? रिया की आंखें क्यूरियस होकर चमकने लगीं। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। फिर उसने सेकंड फ्लोर के खाली कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वहां बच्चों का एक छोटा सा प्लेग्राउंड दिखने लगा। वाओ! इतनी सारी चीजें देखकर रिया की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अगली डकलिंग की आंखों में भी एक्साइटमेंट के कारण चमक आ गई थी। पापा, क्या ये सब वाकई मेरे लिए है? रिया ने प्रेम की तरफ मुड़कर कहा। उसे आज अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल, ये प्लेग्राउंड मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम अपने दोस्तों को भी यहां अपने साथ खेलने के लिए बुला सकती हो, प्रेम ने स्माइल करके सिर हिलाते हुए कहा। ओपनिंग आर के समय रिया काउंटर के किनारे बैठकर बोर होती रहती थी। जब तक प्रेम का रेस्टोरेंट बंद नहीं हो जाता था, तब तक प्रेम के पास इतना समय नहीं होता था कि वो रिया के साथ टाइम स्पेंड कर सके। बस इसलिए ही उसने सिस्टम से ये प्लेग्राउंड बहुत सारे सोने के सिक्के देकर खरीद लिया था। प्रेम के लिए रिया की खुशी पैसों से कहीं बढ़कर थी। वो रिया के लिए कितने भी पैसे लुटा सकता था। पापा, आप सबसे अच्छे हो, रिया ने प्रेम के गालों पर एक प्यारी सी पप्पी देते हुए कहा। रिया के चेहरे पर खुशी भरी स्माइल आ गई थी। पहले रिया के पास खेलने को कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन अब उसके पास अपना एक प्लेग्राउंड था। अब वो जेसिका, साक्षी और अपने बाकी के दोस्तों को भी यहां खेलने के लिए बुला सकती थी। ये तो बस एक छोटा सा प्लेग्राउंड है बेटा, आने वाले दिनों में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी बनाकर दूंगा, जिसमें बड़े बड़े झूले होंगे और वो प्लेग्राउंड इस वाले प्लेग्राउंड से 10,000 गुना ज्यादा बड़ा होगा, प्रेम ने विश्वास जताते हुए कहा। सचमुच? रिया की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे नहीं पता था कि बड़े झूले कैसे दिखते थे, लेकिन वो इस प्लेग्राउंड से 10,000 गुना बड़े प्लेग्राउंड के बारे में सोच सकती थी। हाँ बिल्कुल, जब मेरे पास काफी पैसे होंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा ही प्लेग्राउंड जरूर बनाकर दूंगा। प्रेम को जल्दी ही यह बात रियलाइज हो गई कि उसने बहुत बड़ा वादा कर दिया है, लेकिन रिया के एक्सपेक्टेशन भरे चेहरे को देखने के बाद वो अपनी बात से पलट नहीं सकता था। अगर मैं कोई अम्यूजमेंट पार्क खोलना चाहता हूं तो मुझे कुछ लोगों से इसमें इन्वेस्टमेंट करवाना होगा, प्रेम ने अपने मन ही मन सोचा। मुझे मेरे घर से भागे करीब एक महीना हो गया है। आखिर बॉनी जाति की अभी क्या हालत होगी? क्या मेरी मां मेरी चिंता करती होगी? श्रुति रास्ते पर चलते चलते सोच रही थी और होटल की तरफ जा रही थी। ये वही होटल था जहां श्रुति पहले काम किया करती थी। उसने मारिया रेस्टोरेंट में नौकरी मिलने के बाद भी यहां काम करना नहीं छोड़ा था। भले ही इस होटल में उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन उसे यहां फ्री में रहने की जगह मिल जाती थी। यहां की बॉस भी बहुत अच्छी थी, इसी कारण श्रुति दिन में दो काम करने तैयार हो गई थी। वो बॉनी लड़की आखिर कौन थी? क्या वो टिम्बकटू के बाहर रहती थी?
लोग हमेशा कहते थे कि जो बौने टिम्बकटू से निकाल दिए गए हैं उनके साथ भगवान ने ही ऐसा किया है और भगवान उन पर कभी भी दया नहीं दिखाएगा। वो सारे बौने बहुत ही गंदे और कमजोर माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बौनी मुझसे कम ताकतवर नहीं थे और वो काफी खूबसूरत भी थे। आखिर मुझे किस बात पर विश्वास करना चाहिए, श्रुति ने कंफ्यूज होकर सोचा। उसे पिछले एक महीने से ककाओ गांव में कोई भी बौनी नहीं मिली थी, लेकिन वो बौने लोगों के बारे में और भी जानना चाहती थी। शायद मैं उससे अगली बार बात कर पाऊं। राजकुमारी इशिता हमेशा कहती थी कि बौनों की जाति जैसा कहती है, बाहर की दुनिया उससे ठीक अलग है। श्रुति के दिल में राजकुमारी इशिता की बातें घर कर गई थी और वो खुद ही ये दुनिया देखने के लिए निकल पड़ी थी। मैं कुछ देर बाद सौम्या के साथ मारिया रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने वाली हूँ। मुझे लड़कों की तरह कपड़े पहनने चाहिए या फिर लड़कियों की तरह ही चलेगा? मुखिया जी के महल में वंदना अपनी अलमारी के पास खड़े होकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैं लड़कों के कपड़ों में ही जाऊंगी, ऐसे में प्रेम जी को लगेगा कि सौम्या का बॉयफ्रेंड बन गया है और वो उसको इंप्रेस करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, वंदना ने अपना मन बनाकर सोचा और लड़कों के कपड़े अलमारी से बाहर निकाल लिए। रिया कितनी कमाल की है, क्या मैं भी उसकी तरह जादू सीख सकता हूँ? मुझे वाकई जादू सीखना है, एक स्टूडेंट ने सौम्या से कहा। तुम सभी जादू सीख सकते हो, लेकिन अभी तुम लोग काफी छोटे हो, तो अभी तुम्हें जादू का बेसिक नॉलेज जानने की जरूरत है। अगले साल तुम लोगों की जादू की परीक्षाएं होंगे और जो उनमें पास हो जाएगा वो जादू भी करना सीख सकता है, सौम्या ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। उसने उस डिसअपॉइंट स्टूडेंट के सर पर हाथ फेरा और एक राहत भरी सांस ली। रिया ने अकेले ही वफादारों की बिल्डिंग के मैजिशियंस को हरा दिया था, जिससे ककाओ स्कूल में उसके किस्से बहुत ही फेमस हो गए थे। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जादू सीखने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। उन्होंने रिया को जिस तरह का जादू करते हुए देखा था वो बहुत ही लाजवाब था। सौम्या अपने स्टूडेंट से यही बात कम से कम 10 बार कर चुकी थी। उसके सभी स्टूडेंट्स अब जादू सीखने के लिए बहुत बेताब थे, जबकि पिछले साल कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहता था, और यह सब केवल रिया की वजह से ही था। रिया कमाल की है, वो अभी सिर्फ एक महीने से ही जादू सीख रही है, लेकिन फिर भी उसने इतने ताकतवर विरोधियों को हरा दिया। लगता है प्रेम जी सच कहते हैं, रिया वाकई में जीनियस है, सौम्या ने खिड़की के बाहर देखते हुए सोचा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके दादाजी का करूर से एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि डेसिमल सिस्टम वाकई बहुत ही आसान और काम का है, जो कि कालचुरी राज्य के नंबर सिस्टम से काफी अलग और अच्छा है। उसके दादाजी ने इस पर काम करना चालू कर दिया था और वो प्रेम को करूर मिलने के लिए बुला रहे थे। उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर प्रेम इस बार भी करूर आने से मना कर देगा तो वो खुद ककाओ गांव आकर उससे मिलेंगे। उधर अपनी बातें खत्म करने के बाद अमित और नवीन बाहर की तरफ चले गए। जैसे ही अमित और नवीन कॉन्फ्रेंस चैंबर से बाहर आए, अमित नवीन की तरफ मुड़ गया। नवीन, मैंने सुना है कि तुम ककाओ स्कूल को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, अमित ने पूछा। हाँ वाकई, ककाओ स्कूल अभी भी काफी बड़ा स्कूल है, लेकिन ककाओ में अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई करना उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो अपने परिवार को गरीबी से दूर करना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों को ऐसे मौके नहीं मिल पा रहे हैं, नवीन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तो तुम स्कूल को कितना बड़ा करना चाहते हो, अमित ने पूछा। मैं अभी मुखिया जी से इस बारे में बात कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि वो कितने पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अभी मुकुंद जी भी पिछले कुछ समय से काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनके महल में अभी जितना भी पैसा था वो ककाओ गांव की देखरेख में खर्च हो गया है, तो शायद वो हमें ज्यादा पैसे ना दे पाए, नवीन ने अपनी आईब्रो ऊपर करके चिंता जताते हुए कहा, जिससे उसके चेहरे की झुर्रियां और भी साफ दिखने लगीं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, अमित ने कहा और आगे की तरफ चलने लगा। अच्छा, लेकिन वो आखिर है क्या, नवीन ने पूछा। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो तुम खुद जान जाओगे, अमित ने जवाब दिया। अरे बताओ भी, वो आखिर है क्या, नवीन एक बिल्डिंग के अंदर आया जहां पहले फ्लोर पर लकड़ी के डिब्बे रखे हुए थे। ये डिब्बे संख्या में इतने ज्यादा थे कि यहां पर ठीक से चलने के लिए भी जगह नहीं बची थी। इनमें से एक डिब्बा खोलकर देखो, अमित ने हंसते हुए कहा। नवीन ने अपने पास में रखे एक डिब्बे को खोला और उसमें से सुनहरी रोशनी निकली। यह डिब्बा पूरी तरह से सोने के सिक्कों और प्लैटिनम के सिक्कों से भरा हुआ था। नवीन की आंखों में सरप्राइज साफ झलकने लगा।
उसने अपना हाथ हिलाया और उसके बगल में रखे हुए सारे डिब्बे एक साथ खुल गए, जिनके अंदर से सिक्के निकले। पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी चमकने लगी और अंधेरा दूर हो गया। तुम इनमें से आधे सिक्के स्कूल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें ये बिना किसी ब्याज के उधार दे रहा हूं, इसलिए इनको जल्दी लौटाने की जरूरत नहीं है, अमित ने स्माइल करते हुए कहा। इतने सालों से वैसे भी मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं, नवीन ने अमित की तरफ देखकर कहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे सारे एहसान चुका दोगे, अमित ने हाथ हिलाते हुए कहा। फिर उसने बाकी के सिक्कों की तरफ इशारा किया और बोला, बाकी सिक्के मैं रिया के लिए बचाकर रखूंगा। मैं उसके लिए जो मैजिक रूम बनाने वाला हूं उसमें भी काफी पैसे लग सकते हैं। तुम्हारा नाम ककाओ गांव के इतिहास में लिखा जाएगा टीचर अमित, नवीन ने स्माइल करते हुए कहा। फिर वो दरवाजे से बाहर आया और आगे बोला, मैं कुछ लोगों को पैसे कलेक्ट करने के लिए भेज दूंगा और जल्दी ही स्कूल का काम चालू करवा दूंगा। शायद हम अगले सेशन के पहले अपना काम पूरा कर लेंगे, शायद ऐसे में अगले साल हमारे पास और भी ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। मुझे इससे ऐसी ही उम्मीद थी, इसे सिर्फ अपने स्टूडेंट से मतलब है। मैं सोच रहा था कि शायद वो मुझे कुछ खाने के लिए ऑफर करेगा, अमित ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। मुखिया जी के महल के बाहर जोगीलाल रक्त बीज की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। रक्त बीज, हमारी कॉन्फ्रेंस का आखिरी अग्रीमेंट साइन हो गया है। तेजस और मैं अपने साथियों को इस बारे में खबर देने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगे, जोगीलाल ने पूछा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमें एक साथ घर जाना चाहिए। मेरे जैसे डीमन के कोई भी दोस्त नहीं होने चाहिए, रक्त बीज ने सुस्त से स्माइल करते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, चलो फिर अलविदा, तेजस ने सिर हिलाकर कहा और सवारी पर चढ़ गया। उसने अपनी सवारी की लगाम खींची और उसकी सवारी तेजी से दौड़ने लगी, जिससे बहुत से लोगों का ध्यान उसकी ओर खींच गया। अलविदा, जोगीलाल ने कहा और फिर वो आधी मकड़ी में बदल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि जिंदगी कैसे एंजॉय की जाती है। डीमन आइलैंड लौटने में आखिर रखा क्या है, मैं तो कहता हूं कि वापस जाने के पहले इन्हें भी अच्छे खाने का मजा लेना चाहिए था, रक्त बीज ने अपने होंठ काटते हुए कहा और गली की तरफ चलने लगा। फिर उसने धीरे से बड़बड़ाया, मेरी रसमलाई, ये लो मैं अभी आया। प्रेम रिया और अगली डकलिंग के साथ पूरी दोपहर प्लेग्राउंड में खेलता रहा। भले ही ये प्लेग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें कई सारी चीजें काफी अच्छे से समा गई थीं। उन चीजों के लिए वैसे भी ज्यादा जगह की जरूरत नहीं थी। प्लेग्राउंड में एक छोटा सा सीसॉ, दो लोगों के बैठने के लिए मैरी गो राउंड और छोटी बंपर कार थी। एक छोटे एम्यूजमेंट पार्क में जितनी भी चीजें होनी चाहिए वो सभी रिया के इस प्लेग्राउंड में मौजूद थीं। ये तो बहुत मजेदार है पापा, मुझे ये प्लेग्राउंड बहुत पसंद आया और इसका कलर तो पर्पल भी है। मैं जेसिका और साक्षी को भी यहाँ लेकर आऊंगी, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा, रिया ने खुश होकर कहा। उसके माथे पर पसीना आ जाने के कारण उसके बाल चिपक गए थे। वो प्रेम को काफी एक्साइटेड होकर देख रही थी। ठीक है, जब भी तुम्हारी स्कूल की छुट्टी रहे तुम उन्हें बुला सकती हो और उनके साथ खेल भी सकती हो, प्रेम ने रिया के माथे का पसीना पोंछते हुए कहा और अगली डकलिंग को गोदी उठा लिया। अगली डकलिंग मैरी गो राउंड पर बहुत देर तक झूलने के कारण काफी अजीब सा महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद प्रेम दोनों को बाथरूम की तरफ ले गया। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही काफी है, अब तुम दोनों नहा लो, उसके बाद मुझे डिनर के लिए रेस्टोरेंट दोबारा भी खोलना है, प्रेम ने कहा। ये मुझे डबल बाथ चाहिए, रिया ने एक्साइटेड होकर कहा। अगली डकलिंग ने जैसे ही नहाने की बात सुनी वो प्रेम की गोदी से उतरने की कोशिश करने लगी। अगली डकलिंग, अगर तुम नहाओगी नहीं तो आज तुम मेरे बिस्तर पर नहीं सो पाओगी, मैं एक गंदी बिल्ली के साथ नहीं सोना चाहती, रिया ने अगली डकलिंग की तरफ मुड़कर कहा। अगली डकलिंग ने रिया की तरफ देखा और वापस प्रेम की गोदी में शांति से बैठ गई। प्रेम रिया की बात से पूरी तरह से सहमत था। भले ही बिल्लियों को पानी और नहाने से बहुत ही चिढ़ होती थी, लेकिन रिया हमेशा अगली डकलिंग को गोदी में लिए रहती थी, इसलिए प्रेम अगली डकलिंग की साफ सफाई पर काफी ध्यान देना चाहता था। प्रेम ने अगली डकलिंग को उसके छोटे टब में और रिया को बाथ टब में बैठा दिया। रिया तुरंत अगली डकलिंग पर पानी उछालने लगी और पानी लगते ही अगली डकलिंग के बाल उसके शरीर से चिपक गए, और जैसे ही प्रेम ने उस पर साबुन लगाई तो अगली डकलिंग का सिर्फ मुंह ही साफ दिख रहा था। अचानक से अगली डकलिंग ने अपने बाल झटके तो प्रेम और रिया के ऊपर
साबुन का पानी उछल कर आ गया, जिससे रिया जोर जोर से हंसने लगी। जब अगली डकलिंग और रिया ने नहा लिया तो प्रेम ने रिया को साफ कपड़े पहना दिए। फिर प्रेम भी नहा लिया और शेफ का सूट पहनकर सीढ़ियों से नीचे चला गया। श्रुति और यामिनी सीढ़ियों से नीचे बिल्कुल चुप बैठी थी और माहौल काफी ऑकवर्ड था। जब से श्रुति और यामिनी एक दूसरे को अच्छे से जानने लगी थीं, तब से यामिनी काफी बातें करती थी लेकिन श्रुति बिल्कुल चुप बैठी रहती थी। इसी कारण उनके बीच ज्यादातर ऐसी सिचुएशन बन जाती थी। रिया, तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, यामिनी ने कहा। और यामिनी और श्रुति सीढ़ियों की तरफ मुड़ गईं। फिर यामिनी अगली डकलिंग की तरफ मुड़ी और उससे बोली, यहां आओ अगली डकलिंग। अगली डकलिंग ने यामिनी की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपना सिर रिया के पैर पर रगड़ा और उसकी तरफ पंजा बढ़ाते हुए गले लगाने का इशारा करने लगी। तुम यहां नीचे ही रहो, रिया ने नामे सिर हिलाकर कहा और दौड़कर यामिनी के पास चली गई। उसने अपने हाथ फैलाए और बोली, मिनी दीदी, मैं आपको गले लगाना चाहती हूं। ठीक है, आओ मैं अपनी राजकुमारी रिया को गले लगा लूं, यामिनी ने स्माइल करते हुए कहा और रिया को उठाकर अपनी गोदी में बैठा लिया। रिया ने अपना सिर यामिनी के सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आपकी गोदी में कितना कंफर्टेबल लग रहा है, रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये कितनी सुंदर है, जैसे ही रिया और बड़ी हो जाएगी तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगेगी, यामिनी ने रिया की तरफ देखकर स्माइल करते हुए सोचा। यामिनी का दिल वाकई बहुत बड़ा है, श्रुति ने यामिनी की तरफ देखकर सोचा। अगली डकलिंग ने जैसे ही रिया को यामिनी की गोद में देखा, उसने दुखी होकर कहा। प्रेम स्माइल करता हुआ किचन के अंदर आ गया। उसे रेस्टोरेंट का यह माहौल काफी पसंद था। उसे श्रुति और यामिनी भी काफी पसंद आने लगी थीं, क्योंकि वो काफी मेहनत से काम करती थीं। अब इन दोनों के अलावा प्रेम को किसी को हायर करने की जरूरत नहीं बची थी। प्रेम डिनर के लिए इंग्रेडिएंट्स तैयार करने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि यामिनी किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई है। बॉस, मैं तो बस देखने चली आई थी, यामिनी ने थोड़ा परेशान होकर कहा। वह बिल्कुल बच्चों की तरह लग रही थी। अगर तुम वाकई देखना चाहती हो तो अंदर आ जाओ, अब हमारा बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा है तो मैं तुम्हें आइसक्रीम और राजमा चावल तैयार करना सिखाना चाहता हूं। क्या तुम सीखना चाहती हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाकी डिशेस भी सिखा सकता हूं, प्रेम ने यामिनी से कहा। प्रेम को पता था कि यामिनी किचन के दरवाजे से ठीक से कोई भी चीज देख नहीं पा रही होगी, इसलिए उसने उसे किचन के अंदर बुला लिया था। मैं? क्या सचमुच? प्रेम की बात सुनकर यामिनी की आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन फिर वो अपना हाथ हिलाते हुए आगे बोली, नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही बेवकूफ हूं, मैं तो शायद रेस्टोरेंट की रेपुटेशन बर्बाद करके रख दूंगी। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर तुम वाकई हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हो तो तुम कुछ गलत नहीं करोगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये काम काफी अच्छे से कर लोगे, प्रेम ने साहस बढ़ाते हुए यामिनी की तरफ देखकर कहा। क्या मैं वाकई ये कर सकती हूं? यामिनी को प्रेम की आंखों में अपनी मां जैसी दयालुता दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो काफी हेजिटेट हो रही थी। हां बिल्कुल, तुम कर सकती हो, तुम में काम करने के सारे हुनर हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये काम भी बहुत अच्छे से कर लोगी, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। पापा सच कह रहे हैं मिनी दीदी, आप तो कमाल की हैं, मैं आपकी बनाई आइसक्रीम खाना चाहती हूं, रिया ने किचन के दरवाजे पर आकर कहा और यामिनी का साहस बढ़ाया। हां तुम वाकई ये कर सकती हो, और अगर तुम खुद पर विश्वास करो तो तुम बहुत सारी चीजों को करने में कामयाब हो जाओगी, श्रुति ने भी यामिनी का साहस बढ़ाते हुए कहा। यामिनी के अंदर तुरंत ही विश्वास भर गया और वो आगे बढ़ने लगी। ठीक है, फिर मैं कोशिश करके देख सकती हूं क्या? यामिनी ने प्रेम से कहा। हां बिल्कुल, अगर तुम शुरुआत में सफल नहीं भी हो पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आज काफी गर्मी है तो हमें खुद को ठंडा रखने के लिए आइसक्रीम तो खा ही लेनी चाहिए, प्रेम ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा और यामिनी को आइसक्रीम मशीन के बारे में समझाने लगा। आइसक्रीम मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी, ये देखने में भले ही काफी कठिन लगती थी लेकिन उसे चलाना उतना ही आसान था। इंग्रेडिएंट्स को ठीक से मिलाने के बाद कोई भी बटन दबाकर आइसक्रीम बनाया जा सकता था। आइसक्रीम बॉल का कोन के ठीक बीचों बीच लाना बस थोड़ा सा कठिन काम था। अगर एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल बिना किसी दिक्कत के रख ली जाए तो आइसक्रीम बहुत आसानी से तैयार हो जाती थी। हालांकि ये काम करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक फॉलो करने की जरूरत होती थी। कुकिंग के बादशाह की टेस्ट फील्ड में प्रेम को यह काम करने में बहुत समय लगा था।
देखो तुम अपना ध्यान यहीं लगा कर रखना और उसके बाद फिर बटन दबाना। इसके बाद मशीन चालू हो जाएगी। आइसक्रीम की बॉल यहां से निकलेगी और तुम्हें उन्हें कोन पर रखना है। प्रेम ने यामिनी को एक एक स्टेप ठीक से समझाया। थोड़ी देर बाद यामिनी बहुत ध्यान लगाकर मशीन को देखने लगी और समय समय पर प्रेम से सवाल पूछने लगी। कुछ दिनों पहले ही उसने डिश वॉशर का इस्तेमाल सीखा था, इसलिए अब उसे ऑटोमेटिक चीजों के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया था। आप कहां जा रहे हैं भोला जी? योगेश ने सरप्राइज होकर भोला से पूछा। अब मारिया रेस्टोरेंट में ओपनिंग आवर शुरू होने वाले होंगे, इसलिए मैं मारिया रेस्टोरेंट घूमने जा रहा हूं, भोला ने सीरियस होकर सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इस बार उसने आदमियों के ही कपड़े पहने थे। न जाने इस बार भोला के दिमाग में क्या चल रहा था। सौम्या, ककाओ स्कूल के दरवाजे के पास वंदना लड़के के कपड़े में सौम्या की तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। थोड़ी देर पहले ही स्कूल खत्म हुआ था तो स्कूल के दरवाजे पर अभी काफी कम स्टूडेंट्स खड़े हुए थे। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? सौम्या ने वंदना की तरफ देखकर कहा। क्या तुम्हें लड़कों से कोई दिक्कत है? वंदना ने सौम्या से प्यार भरी आवाज में कहा और उसके गाल पर उंगली फेरने लगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सौम्या कुछ कदम पीछे हो गई और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अरे यार, अभी कुछ दिन पहले ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ दुनिया का कोना कोना घूमना चाहती हो और अब तुम अपनी बात से ही पलट रही हो। अब मैं आखिर क्या करूं? वंदना ने दर्द भरी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसको बहुत ही बड़ा धक्का लगा हो। बस करो, अभी के लिए देखो बहुत मजाक हो गया, चलो अब चलें। अगर हम लेट हो गए तो हमें काफी देर तक लाइन में इंतजार करना पड़ेगा, सौम्या ने वंदना का हाथ पकड़ते हुए कहा और पास ही खड़ी घोड़ा गाड़ी की तरफ जाते हुए बोली। साथ ही साथ अभी हम स्कूल के दरवाजे पर खड़े हैं और तुम लड़कों के कपड़े में हो। अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो काफी बुरा होगा। अरे लेकिन ऐसा क्यों होगा? क्या टीचर्स को रिलेशनशिप में रहने का हक नहीं है? प्रिंसिपल नवीन तो स्टूडेंट तक को रिलेशनशिप में आने से मना नहीं करते। तुम्हें अपनी सोच बदलना चाहिए सौम्या। ये ककाओ गांव है, करूर नहीं। तुम इस गांव में खुलकर रह सकती हो, वंदना ने सौम्या से कहा। मेरा अभी किसी भी तरह की रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो चाहती हूं कि मैं अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल पढ़ाने में करूं। मुझे उन बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ खींचना है जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूं, सौम्या ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा। और तुम क्या करना चाहते हो? वंदना ने सौम्या की तरफ मुड़कर पूछा। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे करना है। जब से मैंने प्रिंसिपल नवीन से दुनिया में आजादी और समानता फैलाने की बात सीखी है, तब से मैं करूर में स्कूल खोलना चाहती हूं और वहां के बच्चों को आजादी और समानता सिखाना चाहती हूं, सौम्या ने ककाओ स्कूल के दरवाजे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहा। लेकिन प्रेम जी का खाना तो इतना अच्छा है, क्या तुम इतना अच्छा खाना छोड़कर भी करूर चली जाओगी? वंदना ने पूछा। वंदना की बात सुनकर सौम्या हैरान हो गई। हाँ, मैं जरूर वापस जाऊंगी। ये एक ऐसा वादा है जो मैंने खुद से किया था जब मैं ककाओ गांव आ रही थी, और ये मेरा सपना भी है, थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद सौम्या ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने जब पहली बार स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाई थी, मैंने तभी अपने सारे सपनों को भुला दिया था, वंदना ने कहा। मैं ग्रिल्ड फिश के लिए अपने सपने तो नहीं छोड़ सकती ना, सौम्या ने सीरियस होकर ना में सिर हिलाते हुए कहा। चलो अब जल्दी चलो, मुझे अपनी शानदार ग्रिल्ड फिश की काफी याद आ रही है, वंदना ने घोड़ा गाड़ी की तरफ तेजी से चलते हुए कहा, और गाड़ी चलाने वाले ने घोड़ों को आगे बढ़ा दिया। वंदना, तुम्हारा क्या सपना है? सौम्या ने पूछा। मेरा सपना? पहले मैं बस इतना चाहती थी कि मैं बस लेटी रहूं और जिंदगी भर कुछ ना करूं, लेकिन अब मैं बिना दर्द के जी सकती हूं। अब मुझे बस लेटे रहना पसंद नहीं है, शायद मैं भी एक टीचर बन सकती हूं, तुम्हें क्या लगता है? वंदना ने कहा। तुम्हें तो लेकिन बच्चे पसंद नहीं है ना, सौम्या ने पूछा। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन वो काफी अनोइंग होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं बच्चे बहुत सुंदर भी लगते हैं। मुझे बच्चों के अंदर काफी एनर्जी फील होती है और मुझे ये बात बहुत पसंद है, वंदना ने कहा। मारिया रेस्टोरेंट के डिनर सर्विस शुरू होने में कुछ ही समय बाकी था और मारिया रेस्टोरेंट के सामने दो लंबी लाइन लग चुकी थी।
अभी तक अमित और वसीम नहीं आए थे, इसलिए बहुत मीठा और नॉर्मल मीठा पसंद करने वालों के बीच में अभी हल्की फुल्की ही बहस हुई थी। लेकिन फिर भी यहां काफी शांति थी। हीरामन लाइन में पीछे की तरफ खड़ा हुआ था और अपने सपनों की राजकुमारी को ढूंढ रहा था। क्या भोला जी आज रात भी यहां पर आएंगे? हीरामन को अब थोड़ी चिंता हो रही थी। जब उसने भोली से उसका कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा था तो उसने हीरामन की बातों को नजरअंदाज कर दिया था और अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर चली गई थी। हीरामन के लिए यह बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। अपने पिछले कुछ सालों में उसने कई लड़कियां देखी थी, लेकिन पहली बार उसे कोई लड़की इग्नोर कर रही थी और इसी कारण हीरामन का जज्बा और भी बढ़ता चला जा रहा था। हालांकि वो ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि भोली के अंदर उसे बाकी लड़कियों से अलग फीलिंग आती थी। हीरामन को ऐसा लगता था कि वो जिंदगी भर भोली का ख्याल रखने के लिए तैयार था। अरे ये तो भोली जी की घोड़ा गाड़ी है। ठीक तभी एक घोड़ा गाड़ी मारिया रेस्टोरेंट के सामने आती हुई दिखी और हीरामन की आंखों में चमक आ गई। वो इस घोड़ा गाड़ी को पहचानता था। ये वही घोड़ा गाड़ी थी जिसमें भोली बैठकर आई थी। हीरामन घोड़ा गाड़ी की तरफ घूर रहा था और उसके अंदर से अपने सपनों की राजकुमारी के उतरने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही घोड़ा गाड़ी मारिया रेस्टोरेंट के सामने रुकी, उसके अंदर से भोला निकला। उसने मारिया रेस्टोरेंट के सामने लगी दोनों लाइंस की तरफ देखा और हीरामन को देखकर हैरान हो गया। ये आदमी फिर से, ये वाकई काफी जिद्दी है, भोला ने अपनी आईब्रो ऊपर करके सोचा। दोपहर को हीरामन ने उसे काफी परेशान किया था और भोला ने नहीं सोचा था कि वो उससे फिर से टकरा जाएगा। क्या ये लड़का कैसे बन गई? हीरामन की आंखें सदमे में खुली की खुली रह गई थी और वो भोला की तरफ घूर रहा था। उसे अच्छे से याद था कि यह घोड़ा गाड़ी भोली जी की ही थी, इसलिए वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि भोली जी लड़का कैसे बन गई थी। ये लड़का भी काफी सुंदर है, लेकिन ये भोली जी नहीं हो सकती। हीरामन को लग रहा था जैसे भोली जी भी इसी गाड़ी में बैठी होंगी और भोला के बाद वो भी उतरेंगे, लेकिन हीरामन के हाथ निराशा ही लगी। ये लड़का आखिर कौन है और ये भोली जी की गाड़ी में आखिर क्या कर रहा है? हीरामन ने भोला की तरफ देखते हुए सोचा और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? इस लड़के को देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज क्यों हो रही हैं? ये भले ही लड़कियों जितना ही सुंदर है, लेकिन ये तो एक लड़का है। नहीं नहीं नहीं, शायद भोली जी की गैर मौजूदगी के कारण मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, ये उसके कारण ही हो रहा होगा। हीरामन ने एक गहरी सांस लेकर सोचा और खुद को शांत कर लिया। फिर वो स्माइल करते हुए भोला से बोला, हेलो सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप भोली जी की गाड़ी में क्या कर रहे थे? मैंने अभी आपको उस गाड़ी से उतरते हुए देखा। क्या भोली जी आज रेस्टोरेंट नहीं आएंगी? अरे पगले, भोला ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए सोचा। वो हीरामन को ना पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हीरामन उसकी गाड़ी को पहचानता होगा और उससे सीधा भोली के बारे में ही पूछ लेगा। मैं तो बस ये जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस हूं, मेरे कोई बुरे इरादे नहीं है। जैसे ही हीरामन ने देखा कि भोला थोड़ा नाराज दिख रहा है तो उसने आगे कहा, देखो भोली मेरी छोटी बहन है, आज रात को उसके कुछ और प्लान्स हैं, तो शायद वो आज तो यहां नहीं आएगी। भोला ने शांति से जवाब दिया। रेस्टोरेंट के सामने बहुत से कस्टमर्स भोला को देखने के लिए मुड़ गए। ककाओ गांव में सुंदर लड़कियों का होना तो बहुत ही कॉमन था, लेकिन सुंदर लड़के कॉमन नहीं थे। साथ ही साथ भोला एक बौना भी था और उसके आने से बहुत सी लड़कियों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। यहां तक कि कुछ लड़के भी खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रहे थे। वो तुम्हारी छोटी बहन है? हीरामन ने सरप्राइज होकर भोला से कहा। तभी उसे समझ आया कि वाकई भोला का चेहरा भोली से काफी मिलता जुलता था। हीरामन ने सोचा कि अगर ये दोनों सचमुच भाई बहन हैं तो भोला का भोली की गाड़ी से उतरना कोई गलत बात नहीं है। हां वो मेरी छोटी बहन है, भोला ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वो हीरामन से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। जी मेरा नाम हीरामन है, आप बिल्कुल भोली जैसे ही दिखते हैं, हीरामन ने स्माइल करते हुए कहा। जैसे ही हीरामन को यह बात पता चली कि भोला भोली का बड़ा भाई है, वो उससे काफी अच्छे से बात करने लगा था। वो चाहता था कि वो कैसे भी करके भोला से नजदीकी बढ़ा सके ताकि वो भोली के भी करीब आ सके।
सुंदर लोग एक जैसे ही दिखते हैं, भोला ने अजीब ढंग से जवाब दिया। उसे हीरामन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन हीरामन को सुंदरता की कदर थी, इसलिए वो उसे बर्दाश्त कर रहा था। जी वाकई में आप और भोली जी जितने सुंदर बौने इस दुनिया में ज्यादा नहीं होंगे, हीरामन ने सिर हिलाकर कहा। कहीं ना कहीं उसे भोला पसंद आने लगा था, भले ही वो आज उससे पहली बार मिल रहा था। हीरामन को लग रहा था कि शायद ये भोली जी के साथ भोला के कनेक्शन के कारण लग रहा था। अभी से लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। प्रेम जी के रेस्टोरेंट का बिजनेस वाकई काफी अच्छा चल रहा है, मुझे तो लगता है कि यहां खाना खाना भी बहुत मुश्किल काम होने लगा है। रेस्टोरेंट के सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी और वंदना ने उसमें से उतरते हुए कहा, प्रेम जी का खाना तो है ही इतना अच्छा कि उसके आगे ये लाइन तो कुछ भी नहीं है, और मुझे ये जानकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सौम्या ने घोड़ा गाड़ी से उतरते हुए कहा। अच्छा, लगता है हमारी सौम्या मैम का दिल प्रेम जी के खाने ने जीत लिया है। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, वंदना ने हंसते हुए कहा। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, तुम तो अपना देखो, कहीं ग्रिल फिश के चक्कर में तुम अपना दिल ना हार जाओ, सौम्या ने स्माइल करते हुए वंदना से कहा। मुझे तो बच्चे पसंद नहीं है, फिर मैं किसी की सौतेली मां कैसे बनूंगी? तुम्हें इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वंदना ने अजीब तरीके से सौम्या से कहा। इस बार कितने अच्छे फल मार्केट में आए हैं, सौम्या ने रोड के किनारे पर फलों को देखते हुए कहा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या मैं तुम्हारे लिए खरीद लूं? वंदना ने सौम्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम वैसे भी यहां खाना खाने के लिए आए हैं, फल खाने के बाद मैं रेस्टोरेंट में खाना कैसे खा पाऊंगी, सौम्या ने ना में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। लेकिन वंदना तब तक उस फल वाले के पास चली गई थी, इसलिए सौम्या के पास वहीं खड़े रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वंदना को पता था कि सौम्या को फल बहुत पसंद है। मुझे ये फल काफी अच्छे लगे और इनकी कीमत भी काफी कम थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिए हैं, तुम चाहो तो इन्हें अपने साथ लेकर भी जा सकती हो, वंदना ने वापस आते हुए कहा। वो अपने हाथों में दो बास्केट पकड़ी हुई थी और उसने ये बास्केट गाड़ी में रख दी। थैंक यू, सौम्या ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। इन फलों का साइज काफी बड़ा था और इनका रंग सुनहरा था, कोई भी इन्हें देखकर बता सकता था कि इन्हें बिल्कुल ताजा तोड़ा गया था। सौम्या ने एक फल खाते हुए उसका स्वाद लिया, उसके मुंह में फल का जूस घुलने लगा था जो कि काफी खट्टा और मीठा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस फल के पूरे जंगल में आ गई हो, उसे चारों तरफ वो फल ही दिख रहे थे बस, और उनकी खुशबू पूरे माहौल में घुली हुई थी। ये तो काफी कमाल के हैं, सौम्या ने स्माइल करते हुए कहा। तो फिर थोड़े फल और खा लो, अभी हमारे पास बहुत सारे फल हैं, वंदना ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। सौम्या एक अच्छे परिवार की लड़की थी, लेकिन वो ककाओ गांव में ऐसी जिंदगी जी रही थी कि वो खुद पर भी पैसे खर्च नहीं कर पाती थी। वंदना को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि सौम्या अपना बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं रखती थी। सौम्या ने अपना सिर हिलाया और एक और फल ले लिया। वंदना ने उसे फल उठाकर दिया था, उसे बड़ी खुशी हो पा रही थी कि वो सौम्या को उसकी पसंद की कोई चीज दे पाई थी। सौम्या जब से ककाओ गांव आई थी तब से वो बस अपने स्टूडेंट्स पर ही ध्यान देती थी। अपनी सैलरी का वो बहुत बड़ा हिस्सा अपने स्टूडेंट्स और गरीब बच्चों पर खर्च कर देती थी। गरीब बच्चों को खाना खिलाना सौम्या का सबसे पसंदीदा काम बन चुका था, और ऐसा करते हुए वो अपना ख्याल रखना भी भूल जाती थी। खुद सौम्या को भी ये नहीं पता था कि उसने आखिरी बार अपने पसंद की कोई भी चीज कब खरीद कर खाई थी। सौम्या का एक सपना था जो कि उसे हर हाल में पूरा करना था, और उसके लिए वो बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए भी तैयार थी, अब इसमें चाहे उसकी पसंद की हत्या ही क्यों ना हो जाए। लेकिन सौम्या अपने रास्ते से हटने वाली नहीं थी। अब मुझे तो लग रहा है कि मेरा पेट भर गया, सौम्या ने दो फल खाने के बाद कहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आज मैं तुम्हें बहुत खाना खिलाने वाली हूं, तुम बस ये दो फल खाने के बाद ये नहीं कह सकती कि तुम्हारा पेट भर गया है, वंदना ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहा और सौम्या को लंबी लाइन की तरफ लेकर चली गई। जैसे ही ये दोनों लाइन में लगी, वंदना की नजर भोला पर पड़ी। उस बौने को देखो, ये तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर है, वंदना ने सौम्या के कान में फुसफुसाया। हाँ, ये वाकई काफी सुंदर है, सौम्या भी भोला को देखकर दंग रह गई थी। भोला के बाल सुनहरे थे और उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था।
सौम्या ने कभी भी इतने सुंदर नैन नक्श वाले किसी भी बोने को नहीं देखा था। भोला जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सौम्या और वंदना उसकी तरफ ही देख रहे हैं। उसकी आंखें वंदना पर ही टिकी रह गईं। भोला को लड़के के कपड़े में वंदना काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन उससे उसे काफी अजीब फीलिंग भी आ रही थी। भोला को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, लेकिन वो इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता था। उसे यह भी लग रहा था कि शायद सुंदर होने के कारण उसे इस लड़के पर शक हो रहा था। यह आखिर चाहता क्या है, वंदना ने भोला को घूरते हुए सोचा। जैसे ही भोला ने यह बात नोटिस की, उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। वो अपना समय हर चीज पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या यह मुझे इग्नोर कर रहा है, वंदना ने आईब्रो ऊपर उठाकर सोचा। वंदना को घूरे जाने से थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती थी, लेकिन इग्नोर किए जाने पर उसे गुस्सा आता था। अब वंदना का मन कर रहा था कि वो किसी को पीट दे। तभी बहुत जोर की हवा चली और हवा में एक चमगादड़ दिखने लगी। ये चमगादड़ उड़ती हुई सीधे मारिया रेस्टोरेंट के सामने आई और तुरंत एक आदमी में बदल गई। उसने सामने लगी लंबी लाइन को देखा और अपनी आईब्रोज ऊपर कर ली। मैं नवे लेवल का एक वैम्पायर हूं, तो शायद कोई भी मुझे लाइन में आगे लगने से नहीं रोक पाएगा, उसने स्माइल करते हुए कहा। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो, वसीम ने मारिया रेस्टोरेंट की तरफ आते हुए कहा और रक्त बीज की तरफ देखने लगा। तुम चाहो तो ऐसी कोशिश करके देख सकते हो। पास में ही एक घोड़ा गाड़ी रुकी और अमित उससे बाहर निकलते हुए बोला,